तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली, आपको नजर आ रहा है, इनहेंसिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, जस्ट टेल मी, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन रिस्पॉन्ड टू मी, वी वुड मेक इट वेरी मच इंटरेक्टिव दैट सेशन। आप में से कितने लोग समझते हैं कि दे हैव रियली गुड लिसनिंग कैपेबिलिटीज व्हेन दे वॉच अ मूवी और लिसन टू एनी न्यूज ऑन एनी न्यूज चैनल? दे आर रियली really good at that thing and they can understand every word spoken by the speaker at that moment. How many of you think that, ji? How many of you? Ji? Students, I am waiting for a response from you people. नहीं, लेकिन at least उनकी जो वो बोले ना, ज्यादा fast ना बोले तो वो समझ आ जाती है. Then I can understand. That's really good, ji. इट मीन्स टू से आपका कहने का मतलब है कि अगर जो वो बोल रहे होते हैं, जो वो कह रहे होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ हद तक समझ आती है, देन कम्स द स्पीकिंग, देन रीडिंग, राइटिंग। टुडेज आवर डिस्कशन वुड बी, एंड आई एम नॉट लुक एट, आई एम नॉट नॉमिनेटिंग इट एज अ लेक्चर, आई एम नॉमिनेटिंग इट एज अ डिस्कशन टाइप ऑफ थिंग। एंड व्हाई आई एम डूइंग सो, बिकॉज आई वुड इंटरेक्ट विद यू पीपल, आई वुड आस्क यू पीपल to answer so many things so that this is session would be a really interesting and enjoyable. Le ji, to next hum chalte hain ji, hamare paas to four basic skills hain ji language ki, jo aaj hamari discussion jis par ho rahi honi hai, jis par aaj hum leke chal rahe hain, and I am there to guide my students how to improve these four basic skills. Ye four basic skills hain kya? Dekhen ji, listening, speaking, reading एंड राइटिंग। औरंगजेब, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? औरंगजेब, यू जस्ट रेज योर हैंड, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? आई थिंक औरंगजेब शायद वैसे ही हैंड रेजिंग की प्रैक्टिस कर रहा होगा, कि थक गया होगा, कि चलो थोड़ी सी जमाई ले लेते हैं। ओके, ये हमारी फोर स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपको नजर आ रहा है मैंने इनके दो ग्रुप बना दिए, लिसनिंग स्पीकिंग मैंने व्हाइट में करके क्लोज करके लिख दिए, रीडिंग राइटिंग भी मैंने येलो कलर देकर उनको अलहदा क्लोज करके लिख दिया हुआ है। ये मैंने ऐसा क्यों किया होगा? एनी वन ऑफ यू हु कैन गेस इट, कि मैंने ये लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग के ये दो ग्रुप क्यों बनाए? कोई वजह तो होगी ना, कोई वजह तो होगी जी स्टूडेंट्स, देयर वुड बी सम रीजन बिहाइंड इट कि मैंने इसके दो ग्रुप्स बनाए हैं। सर, रीडिंग का, लिसनिंग का ताल्लुक होता है स्पीकिंग से, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक, और रीडिंग का ताल्लुक होता है द मोर यू राइट, द मोर यू रीड, द मोर यू राइट, द मोर यू राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। यही वजह है इनकी ग्रुपिंग की। और मैं ना अब आपको ना ये सारी बातें, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको सीखते हैं, लेकिन आपको मैं ये सारी बातें बताने से पहले ना, मैं आपको लेके जा रहा हूँ नॉम चॉम्स्की के एक थ्योरी ऑफ लैड पे। लैड असल में एब्रीवेशन है लैंग्वेज अडेप्टेशन डिवाइस के लिए, लैंग्वेज अडेप्टेशन डिवाइस। ये लैंग्वेज अडेप्टेशन डिवाइस आपके ब्रेन में लगी हुई है जी। नॉम चॉम्स्की अभी भी जिंदा है, 1953 में इसने अपनी पहली बुक लिख दी थी, अभी भी MIT USA जो कि बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड अदारा है USA का, उसमें पढ़ा रहा है, लेक्चर्स डिलीवर करता है उनके, और एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिकल क्रिटिसाइजर भी है, और एक बेसिकली एक लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट मींस द पर्सन हु स्टडीज द लैंग्वेजेस, देयर बिहेवियर, देयर अडैप्टेशन, एंड सो मेनी ऑपरेशंस दैट आर डन इन अ लैंग्वेज। तो नॉम चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी थी जी, इस थ्योरी को अपने गौर से सुनना है। ये थ्योरी थी लैंग्वेज अडैप्टेशन डिवाइस हमारे इधर लगी हुई है। नॉम चॉम्स्की कहता है कि टिल 11 इयर्स एज 1000+ लैंग्वेजेस कैन बी अक्वायर्ड। 1000+ मतलब एक बच्चे को आप 1000 लैंग्वेजेस सुना दें, उससे ज्यादा सुना दें, वो 1000 लैंग्वेजेस जो है वो इक्वली बोल रहा होगा। ये 11 इयर्स तक फाइन चलती है, चलेगी ये सारी साल ही, लैड लर्निंग नहीं रुक सकती, लेकिन 11 इयर्स की एज तक ये मोस्ट एक्टिव होती है, ही सेज दैट। चले, एक मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है जी, वो पैदा होने के बाद आप उसको एक अलग कमरे में रख दें, उस तक कोई साउंड ना जाए, कोई साउंड ना जाए,
बस उसको खाना पानी पहुंचाते रहे, बस 5 साल की उम्र तक उसको वहीं रखें, खाना पानी देते रहे। मुझे ये चीज बताएं कि व्हाट लैंग्वेज ही वुड बी एबल टू स्पीक आफ्टर दोज 5 years, व्हिच वुड बी हिज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हिच वुड बी हिज लैंग्वेज। बोले जरा कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा होगा? बोले कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहा होगा। यस, तो यस आफ्टर दोज 5 years, वो 5 साल का बड़ा हुआ, 5 साल का बच्चा हमारा स्कूल जा रहा होता है, क्लास 1 में पहुंच चुका होता है अपनी प्ले ग्रुप वगैरह क्रॉस करके, एंड ही इज एबल टू कम्युनिकेट एट लीस्ट द लैंग्वेज दैट इज द लैंग्वेज ऑफ हिज पेरेंट्स, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ हिज कंट्री और द सराउंडिंग्स। लेकिन वो बच्चा जिसको अपने कोई लैंग्वेज इनपुट नहीं दी, वो कोई आउटपुट भी नहीं देगा। तो यही नॉम चॉम्स्की कहते हैं, आप 1000 languages का इनपुट दो, 1000 languages की आपको आउटपुट मिलेगी। एक बच्चा गल्फ में पैदा होता है, ही स्पीकिंग अरेबिक, एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है, ही स्पीकिंग उर्दू, और अगर वो किसी रीजन में पंजाब में तो पंजाबी, कश्मीर में है तो कश्मीरी, सिंध में है तो वो सिंधी, केपीके में है तो पश्तो, बलोचिस्तान में है तो बलोची, गिलगित बल्तिस्तान में तो गिलगती, और इवन ये पोटोहारी रीजन में है तो पोटोहारी लैंग्वेज बोल रहा होगा। वो जो बोलते हैं ना आसा को तुसा को दसिया सुना, तो आसा को तुसा को दसिया सुना देखो वो बोलेगा, क्यों? उसको वो इनपुट है, साथ उर्दू भी बोलेगा क्योंकि उर्दू का भी इनपुट है, लेकिन वो अरेबिक नहीं बोलेगा। जो अरब में पैदा होगा उसको अरबी का इनपुट है, वो अरबी बोलेगा। इट मीन्स आप 1000 languages का इनपुट दो, और यही नॉम चॉम्स्की है कि हमारे ब्रेन में इधर TGG लगी हुई है जी, इसको मैं TGG भी हम कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। ये लैड का एक फीचर है जो हमारे ब्रेन में लगी हुई है। एनिमल्स में ये लैड नहीं है, देखो एनिमल्स के साथ हम इतनी बातें भी कर लेते हैं, एनिमल्स फिर भी वो लैंग्वेज नहीं बोल पाते क्योंकि उनको वो लैड नहीं लगी हुई। उनके इर्द गिर्द इतने सारे लोग बातें कर रहे हैं, उनके साथ किसान लगे हुए, उनको चाप पालने वाले शेफर्ड लगे हुए, बट दे आर अनएबल टू स्पीक एनी लैंग्वेज बिकॉज दे डोंट हैव दैट लैड। हाँ, आप कहते हैं जी वो पैरट्स बोल लेते हैं, लेकिन पैरट्स भी आपकी उसके अंदर TGG नहीं है, वो सिर्फ आपकी लफ्ज को कॉपी करते हैं। आप कहते हैं मियां मिट्टू चूरी खानी है, वो यही बोलेगा मियां मिट्टू चूरी खानी है, वो कभी नहीं बोलेगा मियां मिट्टू को भूख लगी है चूरी दे दो, कभी नहीं ना बोलेगा। ही वुड नेवर से मियां मिट्टू को भूख लगी हुई है, मियां मिट्टू को चूरी दे दो, ही वुड नेवर से दैट। रीजन TGG नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर नहीं है। हमारे इंसानों में TGG लगी हुई है। हम बच्चे को कहते हैं कि बिस्किट ले लो, पानी पीना है, दो जुमले बोल दिए, पानी पीना है, बिस्किट ले लो, बच्चा खुद जुमला बनाता है। फिर जी बच्चा कहता है कि बिस्किट लेना है, पानी पीना है, उसने कहा देखो जी जब मुझे कोई चीज बोली जाती है तो वो वर्ड उन्होंने बोला था पीना, तो ले लो को मैं लेना क्यों ना कर दूं, वो लेना बोलता है और हम हैरान होते हैं, वो बच्चा बोलने लगा इसे ये चीज मांगी, हम खुश होते हैं। उसकी TGG ने काम किया होता है, उसने दो जुमले बना के तीसरा जुमला जनरेट कर दिया। और इस तरह इंसान को लैंग्वेज के स्क्रैप्स मिलते रहते हैं, लैंग्वेज के पीसेस मिलते रहते हैं, वो लिसन करता रहता है, वो रीड करता रहता है, एंड यस एट द एंड ही इज फाइनली एबल टू कम्युनिकेट, आइदर इट इज इन स्पीकिंग और आइदर इट इज इन राइटिंग, ही इज वेल एबल टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली। वो बड़ा काबिल हो चुका होता है कि वो लैंग्वेज को प्रॉपरली बोल सके, उसको कम्युनिकेट कर सके। तो आई डू होप कि आपको नॉम चॉम्स्की का ये नजरिया जो था, जो थ्योरी थी कि लैंग्वेज एक्वायर कैसे होती है, लैड कैसे काम करती है, आपको 100% समझ आएगा, एंड यस इट इज एप्लीकेबल। आपने देखा कई लोग 5 जुबानें बोल लेते हैं, कोई 6 जुबानें बोल लेते हैं, नॉम चॉम्स्की कहता है ये ब्रेन इतना कैलिबर रखता है आपका, इतना हाई फाई सुपर कंप्यूटर है, 1000+ languages भी बोलेगा। तो बढ़ते हैं जी अपने उसी टॉपिक पर वापस आते हैं, ये मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ले गया था और आपको साइंटिफिकली प्रूव किया था, साइंटिफिकली कि दैट आई एम नॉट टॉकिंग मेयरली, आई हैव प्रूव फ्रॉम साइंस। इवन लिंग्विस्ट ये कहते हैं, लिंग्विस्ट याद रखिएगा, अगर मैं लिंग्विस्ट की डेफिनेशन करूं, हु स्टडीज लैंग्वेजेस फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड अ लिंग्विस्ट। तो आते हैं जी वापस लिसनिंग स्पीकिंग और रीडिंग राइटिंग पे, तो लिसनिंग इज इनपुट फॉर स्पीकिंग, आपकी लिसनिंग आपकी स्पीकिंग की इनपुट है। अगर आप लिसन ही नहीं कर रहे तो आप स्पीकिंग ही नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ज्यादा लिसन कर रहे यू वुड बी मोर एबल टू स्पीक, अगर आप कम लिसन कर रहे यू वुड बी लेस एबल टू स्पीक। मैं आपको इसके लिए प्रूफ देता हूं, यू लिसन मच मोर पंजाबी फ्रॉम अराउंड यू एंड यू आर एबल टू स्पीक पंजाबी।
हाँ जी ठीक ठाक जे ना सारे, और फिट जे, मैं सुनता हूँ, मैं बोलने के काबिल हूँ। ओके आप उर्दू सुनते हैं, बहुत सारी उर्दू बोलने के काबिल हैं जी, ठीक है आप सारे बेहतरीन हैं, जबरदस्त हैं, चले जी माशाल्लाह। आई लिसन टू इंग्लिश, आई लिसन टू द न्यूज, बीबीसी स्पेशली इज माई फेवरेट चैनल बिकॉज इट गिव्स इंटरनेशनल न्यूज ऑल्सो, CNN, अल जजीरा, सो मैनी इंग्लिश न्यूज चैनल्स आर देयर दैट आई लिसन टू इन रूटीन। So I am, yes, I can, I am not boasting that I am well versed and I am just like Donald Trump and I can have that aspirated tone. But I can just say that I have fluency with me. I can speak at whatever form I am given, and for continuous hours, I have, Alhamdulillah. But how I have I gained that fluency? How have I gained that speaking skills of English? Just because I listen to the things more and more. Okay, now let me give some examples, more examples for that to prove it more. हिंदी का कोई जुमला बोलिएगा, हिंदी का कोई जुमला, कोई हिंदी का जुमला, आपकी आत्मा को शांति पहुंची, मैं बोल दिया एक, आपकी आत्मा को शांति पहुंची, और कोई बोलिएगा जरा हिंदी का जुमला, कोई आप में से कोई सेंटेंस बोले मेरे सामने स्क्रीन पर जिनके नेम शो हो रहे हैं, लाइबा है, कश्यप भगवान है। जी जी सर, भगवान तुम्हें नरक में भेजे। सर अच्छा ठीक हो गया, और कोई बोले जी, देखिए आप कोई ना कोई जुमला बोलने के काबिल हैं। सदा सुहागन रहो, क्या बोला जी, सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहो, जबरदस्त, दैट्स रियली गुड। चिंता की कोई बात नहीं है जी, चिंता नहीं करनी, लाइक दैट। तो मीन्स टू से कि आप थोड़े बहुत हिंदी बोल सकते हो, लेकिन क्या आप फ्लुएंटली हिंदी बोल सकते हो? आर यू एबल टू स्पीक हिंदी फ्लुएंटली और कैन टॉक कॉन्टिन्यूसली इन हिंदी? आर यू नो एबल टू डू दैट? नो सर, नो सर। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? बिकॉज योर इनपुट ऑफ हिंदी इज नॉट इन दैट ग्रेटर एक्सटेंट। आप हिंदी थोड़ी सुनते हो, थोड़ी बोलते हो, ज्यादा सुनोगे ज्यादा बोलोगे। आप कुछ कभी मूवी देख ली, कभी कोई ड्रामा देख लिया, आप इतनी हिंदी सुनते हो, जो चंद एक डायलॉग जहन में रह जाते हैं आप उनको बोल लेते हो। तो लिसनिंग आपने इम्प्रूव करनी है, तो स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, तो यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर। एंड पर टिप्स पे भी बात होगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ साबित कर रहा हूँ। देन आते हैं रीडिंग इज इनपुट फॉर राइटिंग। ओके आप उर्दू रीड राइटिंग कर लेते हो, राइटिंग स्किल्स इंग्लिश की बच्चों की बड़ी रॉन्ग होती है, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। तो आपने उर्दू की कभी ग्रामर सीखी थी? कभी उर्दू की ग्रामर सीखी, उर्दू के टेंसेस सीखे हो, पर उर्दू आप फिर भी बहुत अच्छी लिख लेते हैं इंग्लिश की निस्बत। इंग्लिश के टेंसेस भी सीख सीख कर मर जाते हैं, पर इंग्लिश की आपकी राइटिंग फिर भी ढेरों गलतियां निकल आती हैं। उर्दू की लिखने के लिए क्या आपने उर्दू के टेंसेस सीखे थे? कभी सीखा था फेल, हाल, मुतलिक, फेल, माजी करीब, फेल, माजी बईद, क्या उर्दू के टेंसेस सीखे थे किसी ने उर्दू लिखने के लिए? एनी नो वन ऑफ सर, यू? कभी भी नहीं सीखे। इट मीन्स टू से एक बात हमारी क्लियर हो गई कि जी हम उर्दू जो है बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी इनपुट है। हमने उर्दू कहाँ देखी? हमने उर्दू न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा पढ़ी, अखबार पढ़े उर्दू में, टीवी देख रहे हैं जी, जियो न्यूज, ARY देख रहे हैं, लो जी वहां उर्दू में जो है वो ट्रैकर्स चल रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, हमें उर्दू में बुक्स मिल जाती है, हम पढ़ रहे हैं। उर्दू हमने जगह जगह, हम रोड पर जा रहे हैं उर्दू के साइन बोर्ड लिखे हुए वो पढ़ लिए हमने, तो हम कहीं कोई बिल पढ़ रहे हैं उर्दू में, तो हम उर्दू तो जगह जगह पढ़ रहे हैं। दैट इज वाई उर्दू की इतनी कि हमारी रीडिंग हो गई कि राइटिंग में हमारी मिस्टेक बहुत ही कम होगी। अब आप मेरे को उर्दू का एक पेज लिखने को कहूं, आपकी मिस्टेक कम होगी, लेकिन मैं यही पेज आपको किसी भी अननोन टॉपिक पर इंग्लिश का दे दूं तो आपकी मिस्टेक किसी की दो होंगी, किसी की चार होंगी, किसी की एक होगी, पर मिस्टेक होगी। और पर इंग्लिश की मिस्टेक आपके लाजमी तौर पर, मैं उसी टॉपिक पर कहूं कि आपने उर्दू में लिखना इंग्लिश में, तो यू वुड हैव मोर मिस्टेक्स बिकॉज आपने उर्दू की ना तो इतनी पढ़ी। और कई बार उर्दू में आप लिखते हुए रुक जाते हो, इसके स्पेलिंग्स क्या है, इधर डबल एल आना है, इधर डबल आर आना है, क्या आना है, तो आप कई जगह पर ट्रैप हो चुके होते हो, और रीजन आपकी रीडिंग थोड़ी होती है। अच्छा हिंदी आप थोड़ी बहुत बोल लेते हो, आपकी आत्मा को शांति पहुंचे, आपने बोल लिया, आपने सुन भी लिया, समझ भी आ गया, समझ आया तो बोलना, ज्यादा समझ ना आया तो आप बोल नहीं पाएंगे। मैं जितनी मर्जी चाइनीज सुनता रहूं, जितनी मर्जी चाइनीज सुनता रहूं, मैं चाइनीज बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं चाइनीज अंडरस्टैंड ही नहीं हो रही।
इफ आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे कोई बताएगा अच्छा इस लाइन का ये मीनिंग है, अच्छा इस लाइन का ये मीनिंग है, तो मैं उन लफ्जों को बोल पाऊंगा। मैं कहूंगा जी पखैर आगले, तो पखैर आगले मुझे पछता है कि पश्तो में कहते हैं वेलकम के लिए, तो मुझे कोई बताएगा पखैर आगले का मीनिंग वेलकम है, तो मैं दोबारा कभी पखैर आगले बोल पाऊंगा, मुझे मीनिंग ही नहीं पता तो कुछ भी नहीं। इसलिए बेटा जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ें, वो इंग्लिश लैंग्वेज आपने अडॉप्ट करनी है, उसकी राइटिंग अच्छी सीखनी है, आपने उसकी स्पीकिंग अच्छी करनी है, आपको उसका मीनिंग आता हो सबसे पहले। ये टिप्स हैं, आज सारे लेक्चर सिर्फ टिप्स पर है। आपको उसका मीनिंग आता हो, उसके मीनिंग में जाएं, डिक्शनरी खोलें। मैं आपको बताता हूं मेरे लैपटॉप पर ये डिक्शनरी इंस्टॉल है, मैं ये कंट्रोल एम करूंगा, ये डिक्शनरी खुल गई। आप सबको स्क्रीन पर डिक्शनरी नजर आ रही है, वर्ड वेब खुली हुई। मैं जब रीडिंग करता हूं, मैं देखो अब आजकल ऑनलाइन मोड ऑफ जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, मैं बहुत सारी बुक्स इधर से पढ़ता हूँ, मैंने कुछ नॉवल शुरू कर रखे हैं, और कई कुछ नॉवल ऐसा होता है मैं डबल नॉवल भी शुरू कर लेता होता हूँ जी, इससे ऐसा ही फील आता है जैसे आप दो ड्रामा सीरीज देख रहे होते हैं। तो मैं जो फायदा क्या होता है, मुझे फर्ज करो नॉवल में कहीं जाकर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मुझे कहीं नॉवल में जाकर किसी लफ्ज के बारे में डाउट होगा, ये लफ्ज क्या मीनिंग रखता है, यहाँ ये किस मीनिंग में यूज हुआ है, मैं सिंपल उस लफ्ज पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल एम दबा देता हूँ, ये वर्ड वेब खुल जाती है, मुझे मीनिंग आ जाता है, मैं फिर इसको बंद करता हूँ, नॉवल को पढ़ना जारी रखता हूँ, पर मुझे उस लफ्ज का मीनिंग पता लग गया, नाउ आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड। मैंने ना आपका एक लेक्चर लेना इसके बाद, पैसिव वोकैबुलरी और एक्टिव वोकैबुलरी, कि कुछ वोकैबुलरी होती है जो कि आपको पता होती है लेकिन आप यूज नहीं कर पाते ना लिखने में ना पढ़ने में, उसको एक्टिव कैसे करना है उस पर अलग लेक्चर आएगा। आज सिर्फ बेसिक्स पर बातें हो रही हैं, सिर्फ बेसिक्स पर बातें हो रही हैं। तो रीडिंग अपनी इंप्रूव करेंगे तो राइटिंग बढ़ेगी। अच्छा मैं एक जुमला बोल रहा था, आपकी आत्मा को शांति पहुंचे, कितने लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं तकरीबन सारे, क्योंकि आपने सुना हुआ है, लिसनिंग है yes. स्पीकिंग है, कितने लोग लिख सकेंगे आपकी आत्मा को शांति पहुंचे? नो वन हिंदी में लिखना है, हिंदी में, उर्दू में तो लिख लेंगे, नो वन, क्योंकि आपने हिंदी की, आपकी रीडिंग जीरो है तो आपकी राइटिंग जीरो। आपने हिंदी कई बार लिखी देखी है, कई बार लिखी देखी है न्यूज चैनल्स पर, आपने शायद इंडिया के देखी हो, आपने क्या नाम लेते हैं किसी मूवी में लिखी देखी, लेकिन आपको चूंकि उसका मीनिंग ही नहीं पता, चूंकि आपको मीनिंग ही नहीं पता, आप कभी भी लिखने के काबिल नहीं हो सकते। यस दैट्स द आर्ट, गो फॉर द मीनिंग। जब भी आपको कोई लफ्ज नया मिले, वो सुनने में मिले, वो आपको लिखा हुआ मिले, गो फॉर द मीनिंग। मीनिंग मिलेगा तो आपकी वोकैबुलरी में ऐड होगा, उसको एक्टिव कैसे करना है वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएगा। आज हम बेसिक्स पर काम कर रहे हैं। तो आप हिंदी का एक वर्ड नहीं लिख पा रहे, पर एक अक्षर नहीं लिख पा रहे, यस मेरे ध्यान में अक्षर वर्ड आ गया, यू आर अनएबल टू राइट अ सिंगल अक्षर, अ सिंगल वर्ड ऑफ अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, सॉरी हिंदी, बट यू आर स्पीकिंग दैट, आप बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे, रीजन आपने कभी रीडिंग ही नहीं की, कभी मीनिंगफुल रीडिंग नहीं की, अंडरस्टैंड करके, रीडिंग जीरो, राइटिंग जीरो, रीडिंग 50%, राइटिंग 50%, लिसनिंग 50%, स्पीकिंग 50%, लिसनिंग 70%, स्पीकिंग 70%, लिसनिंग 100%, लिसन टू मोर एंड मोर, लिसन एवरी टाइम एंड यू वुड बी एबल फ्लुएंटली टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज, वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक। अब जर्मन के साथ ये करना शुरू कर दो, अब जर्मन बोलना शुरू कर दोगे, अब डच के साथ ये करना शुरू कर दो, अब डच बोलना शुरू कर दोगे, डच लिखना शुरू कर दोगे, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। आपको किसी टेंसेस की जरूरत नहीं है, इसको हम कहते होते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इनडायरेक्ट क्या होता है जी, टेंसेस सिखाओ, लफ्ज पकड़ो नेटिव लैंग्वेज का, नेटिव लैंग्वेज से उसको फिर टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, फिर टेंस बताओ, इधर सब्जेक्ट, इधर वर्ब, इधर ऑब्जेक्ट, ये काम आपका ब्रेन ज्यादा अच्छा करता है। मैंने अभी साबित किया कि आपको उर्दू, एक बच्चे ने उर्दू सुनता रहा, कोई टेंस नहीं सीखा, कोई फेल माजी करीब बईद कुछ नहीं सीखा, वो उर्दू बोली जा रहा है, उर्दू लिखी जा रहा है, कोई टेंसेस नहीं सिखाया किसी ने उसको। तो बच्चे आपका ब्रेन बहुत अच्छी ग्रामर बनाता है, इसने खुद बना लेना, अच्छा ये टेंस, ये टेंस, ये टेंस, ये टेंस, टीजीजी इधर लगी हुई है, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर कहते हैं, मैं शुरू पे वापस चला गया, नॉर्म चॉम्स्की से दोबारा रिलेट कर रहा हूं, ये लैड की जो टीजीजी है ये खुद जुमले बनाएगी। यू शुडंट गो फॉर टेंसेस, हमें सिखाने पड़ते हैं, मैं खुद टीचर हूं सिखाता हूं, क्यों, क्योंकि सिलेबस में शामिल है, उस सिलेबस में शामिल हमें सिखाने पड़ते हैं, बट फॉर वो सिर्फ सिलेबस है, वो बुक है, वो ग्रामर है, फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन आपको किसी ग्रामर की जरूरत नहीं है, फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन आपको किसी टेंसेस की जरूरत नहीं है। आपने स्पीकिंग सीखनी है, यू नीड नो टेंसेस, आपने राइटिंग सीखनी है, यू नीड नो टेंसेस। हाँ आपको बेसिक सिखानी पड़ेंगी, आपको बेसिक चीजें कुछ करानी पड़ेंगी, आपकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, यू वुड बी एबल टू गो देयर। मेरी बात सबको समझ आ रही है ना? Yes sir. Do you people yes, able sir. to understand me? Okay, ये भी मुझे बताएं कि कुछ मजा भी आ रहा है, कुछ दिलचस्पी भी क्रिएट हो रही है कि I am talking something bore or something irrelevant to you people that you people don't wanna listen.
Is it सर इंटरेस्टिंग है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है दैट इज रियली गुड कि मैं असल में आज बेसिक्स पर खेल रहा हूँ इंशाल्लाह इससे हमने ऊपर जाना है ये दैट इज रियली प्रिलिमिनरी बेसिक लेक्चर हमने आज अपनी वो जिसको कहते हैं रास्ता सीधा करना है हमने चलना है किस रास्ते पे ये मैंने आज रास्ता आपको सीधा कर रहा हूँ मैं किस रास्ते से चल के आना मुझे बच्चे आते हैं घर आते हैं फोन करते हैं सर मैंने ना अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है सर मैंने अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है सर टेंसेस आपसे करेंगे पहले हम ये वो मतलब टेंसेस की क्या जरूरत है भाई क्या एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ इंग्लिश सीख बोल रहा है बर्तानिया में पैदा हुआ इंग्लिश बोल रहा है क्या उसने इंग्लिश के टेंसेस सीखे मुझे बताइए जरा ब्रिटेन में पैदा हुआ यूके में डिड ही नो सर वो तो 3 साल का इंग्लिश बोली जा रहा है 3 ईयर्स की एज से इंग्लिश बोली जा रहा है उसने तो किसी ने सिखाया ही नहीं है बट इज एबल टू स्पीक एंड व्हाई इज ही एबल टू स्पीक बिकॉज इज लिसनिंग टू दैट देयर इज सो मच इनपुट दैट इज गेटिंग सना असलम बच्चे कुछ कहना चाह रहे हो आपका माइक ऑन है नो सर आपका माइक ऑन था ना इसलिए मैंने समझा कि शायद कुछ कहना चाह रहे हो चलो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ ओके जी तो आगे बढ़ते हैं इसको आज वाइंड अप की तरफ जाते हैं मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आप लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है जी सब लोगों का टाइम कीमती है तो थोड़े से टिप्स आज के लिए देन हम इसको वाइंड अप की तरफ जाएंगे और इसके अलावा आगे इससे अगली स्टेज पर आएंगे फिर हम इंशाल्लाह इसे आगे लेकर चलेंगे ये वीडियो साथ साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और ये इसी तरह से आपको जो है वो मैं पहुंचा भी दूंगा कि फॉर फ्लुएंट स्पीकिंग अगर आपने फ्लुएंट स्पीकिंग करनी है आप चाहते हैं कि फ्लुएंटली जो है वो आप बोल सकें सम अप करें चीजों को लिसन टू द न्यूज खबरें सुने अच्छा बहुत सारे बच्चे आपके पास इस वक्त ऐसे भी हैं जो मुझसे राब्ता किया कि सर हमने CSS में इंटरेस्टेड है एंड यस आई एम गोइंग फॉर CSS तो CSS की भी मैं ऑनलाइन क्लासेस जूम पर ही स्टार्ट करूंगा जैसे भी जूम पर क्लास हो रही है सारा कुछ आप करूंगा और आपकी टेस्टिंग भी करूंगा जी टेस्टिंग के लिए मेरे पास अलहदा ऐप है एक वहां आप मुझे अपना जो लिखेंगे ऐसे वगैरह प्रेसी वगैरह ग्रामर वगैरह वो सारा आप मुझे वहां सेंड किया करोगे मैं आपको चेक करके बकायदा वापस सेंड किया करूंगा और वो बड़े अच्छा ऐप है जी इसको ठीक है जी तो आगे बढ़ते हैं हम तो हमारे पास जो चीजें सम अप करते हैं जी जूम 40 मिनट्स की लिमिट है मैं इस लिमिट को भी परचेज करने जा रहा हूँ जूम वालों से मैंने रब्ता किया है ताकि लिमिट में जो है वो अपनी जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकूं तो अभी मेरी उनके साथ चल रही है थोड़ी सी उनको मैंने ईमेल की थी पिछले दिनों एक कि फॉर फ्लुएंट स्पीकिंग लिसन टू द न्यूज न्यूज सुने ठीक है जी लिसन टू द डायलॉग्स डायलॉग्स कहां सुने एक दूसरे से बातें करें और फिर उनको सुने ट्राई टू स्पीक विद अदर्स एंड व्हेन अदर्स वुड बी रिस्पोंडिंग टू यू यू वुड बी लिसनिंग टू देम एंड यस व्हेन यू वुड बी टॉकिंग टू देम यू वुड बी स्पीकिंग टू देम योर ओन हेजिटेशन वुड बी रिमूव्ड यू वुड हैव That tongue twisters, you can say removed from your tongue. Okay, but बोलते हुए ज़ुबान पे लफ़्ज़ नहीं चढ़ रहा होता, तो वो लफ़्ज़ चढ़ना शुरू हो जाएगा. You have to practice it, and practice it in the form of dialogue. क्योंकि dialogue की form में you would be listening and you would be speaking and yes, removing your tongue twisters also. And then last one, first speaking, listen to anything that come to you, especially in the language that you want to speak fluently. आप उर्दू अच्छे बोलना चाहते हो, ज़्यादा अच्छी उर्दू सुनो. अमन नदीम कासमी को सुनो मुश्ताक यूसफी की वीडियोस निकाल के आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिलेंगी आपकी उर्दू बड़ी इंप्रूव होगी मुश्ताक यूसफी की बहुत प्यारी वीडियोस पढ़ी है आप वो बाबा जी बाबा इशफाक को सुनो जाविया प्रोग्राम उनके पढ़े हुए हैं आपकी उर्दू पहले से कई गुना इंप्रूव हो जाएगी आप पंजाबी सुनना चाहते हो इंप्रूव करना चाहते हो दिलदार भट्टी को सुनो यूट्यूब पर निकाल के आप उसके प्रोग्राम सुनो उसके प्रोग्राम चलते थे पीटीवी पे तो आप सुनेंगे तो आपकी पंजाबी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो यस लिसन टू एनीथिंग गो टू जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है जिस चीज में इंटरेस्ट है यूट्यूब पर उसकी उस लैंग्वेज उस वीडियो खोलो इंग्लिश में उसको सुनो उसको उर्दू में ना करो मैंने बहुत सारे लोग देखे वो इंग्लिश में मूवी देखते हैं इंग्लिश मूवी देखते हैं उसके उर्दू के सबटाइटल ऑन कर लेते हैं उसको उर्दू क्या नाम लेते हैं हिंदी जो होती है उसकी डबिंग वो ऑन कर लेते हैं लिसन इट टू इंग्लिश गिव यू पीपल सम चांस एट लीस्ट वो आपके कानों को फेमिलियरिटी तो होने दो मजा भी आएगा आपको 10 मिनट बाद भूल जाएगा कि आप इंग्लिश में देख रहे हैं कि उर्दू में देख रहे हैं आपने कई लोग आपने देखा होगा इंग्लिश में मूवी देखते थे आपको भूल जाता कि आप इंग्लिश में देख रहे हैं उर्दू में देख रहे हैं वक्त के साथ साथ योर ब्रेन वुड हैव दैट मच इनपुट दैट योर TGG वुड बिकम एक्टिव एंड यस इट वुड बी मेकिंग इट्स ओन सेंटेंसेस कितना ईजी हो जाएगा बट इसको इनपुट तो दो ये तो खाली छोड़ा हुआ है
बंदा पूछे इन्वेस्टमेंट जीरो और प्रॉफिट मांग रहे हो, अभी इन्वेस्टमेंट तो करो, प्रॉफिट तो फिर मिलेगा ना, तो भरो इसको इन्वेस्टमेंट से, डाल दो जितनी इन्वेस्टमेंट मिल रही है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, फॉर एक्यूरेट राइटिंग रीड न्यूज़पेपर्स, अगेन वही बात, वो लिसन टू द न्यूज़, ये रीड न्यूज़पेपर, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपको तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर फ्री में मिल जाते हैं, पैसे भी नहीं खर्चे, नहीं पैसे खर्च के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन ऑनलाइन में एक और फायदा है, कोई वर्ड नहीं भी आया तो ये कंट्रोल एम किया, ये डिक्शनरी खुल गई जी, वही मीनिंग देखा और आगे पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने बोला कि जब तक लफ्ज का मीनिंग नहीं आता वो लफ्ज आपकी वोकैबुलरी का पार्ट नहीं बनता, वो लफ्ज गुजर जाएगा, मीनिंग उसका एक बार देख ले, एक बार देख ले ब्रेन में बैठ जाएगा। रीड बुक्स, किताबें पढ़े, कोई नॉवल्स पढ़े, जो आपका दिल का इंटरेस्ट है ना वो पढ़े, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक्स पढ़े, आप तो बुक्स इंटरनेट से डाउनलोड हो जाती है, जैसे सीएसएस के जो मेरे बच्चे आएंगे इनको मैं कुछ अच्छी बुक्स लाजमी तौर पर साथ रेफर किया करूंगा, और मैं इंशाल्लाह मंडे से अपनी सीएसएस की जो क्लासेस है उनको जूम पर शुरू कर रहा हूँ, रोज का एक लेक्चर उनको डिलीवर किया करूंगा, उनको असाइनमेंट दिया करूंगा, एंड यस दे वुड सेंड मी बैक एंड उसको लेके चलेंगे आगे। और सीएसएस ही नहीं, मैंने एक बेसिक इंग्लिश की क्लास भी शुरू करनी है, और सीएसएस और बेसिक इंग्लिश वाले पहला वन मंथ सेम चलेंगे, एक ही लेवल पर चलेंगे, और वन मंथ के बाद उन दोनों को मैं सेपरेट ग्रुप में ले जाऊंगा, पहले उनको एक ही क्लास में लेके चल रहा हूँ, फिर उनको दोनों की क्लासेस सेपरेट कर दूंगा, क्योंकि फिर सीएसएस वालों के वो ऐसे राइटिंग और बहुत कुछ डिफरेंट निकल जाता है, बेसिक से वो आगे चल जाते हैं, तो बेसिक वाले माहौल पे मैं उनको जो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इंप्रूव कर रहे हैं, जो अपनी एक्यूरेसी लाना चाहते हैं राइटिंग में, उनको मैं अलहदा रखूंगा, जो ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हैं स्पेशली उनको फिर मैं वन मंथ बाद अलहदा कर दूंगा। तो रीड एवरी, रीड बुक्स, रीड एनीथिंग दैट कम टू यू, जो आपके पास आता है इंग्लिश में उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, देन ही आपकी इनपुट बढ़ेगी और आपकी आउटपुट भी इसी तरह से एक्सीड होना शुरू हो जाएगी। बट फॉर दैट पर्पस प्लीज इन्वेस्ट, विदाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट नहीं मिलता जी, ये चीज याद रखिएगा, विदाउट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट किसी किस्म का प्रॉफिट आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक हो गया, तो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड जी, थैंक यू जी, बेस्ट विशेस फॉर योर करियर्स। टूडेज लेक्चर वॉज बेसिकली for basics only, just to orientate you people, just to guide you people which way is to be adopted, अभी चलना किस रास्ते पे है, अक्सर को रास्ते नहीं पता होता, टेंसी सीखने बैठ जाते हैं, and they are improving their speaking skill and they are improving their writing skill, but आप क्लास वन से टेंसी नहीं सीख रहे, प्राइमरी से टेंसी सीख रहे, मुझे जरा आवाज आनी चाहिए आपकी, आप प्राइमरी से टेंसी सीख रहे हैं, प्राइमरी के लेवल से? Yes, sir. मिडल में सीखे आप लोगों ने, फिर आपने मैट्रिक में सीखे, इंटर में सीखे, आप में से बहुत सारे बच्चे इस वक्त बीएस प्रोग्राम में, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया मीटिंग में भी, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ उनको बीएस प्रोग्राम, कुछ मास्टर्स कर चुके हैं इस मीटिंग में, लोग मौजूद है, सबने टेंसी सीखे, लेकिन टेंसी सीखने से अगर आनी होती तो बेटा आ गई होती, अभी भी यू आर स्टिल अनएबल टू राइट एक्यूरेटली, यू आर स्टिल अनएबल टू स्पीक एक्यूरेटली। मेरे पास सीएसएस के बच्चे आते हैं, वो मुझे एसएस चेक करवाते हैं, वो मास्टर्स कर चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर चुके हैं, पर स्टिल मैं उनके एसेस में से ढेर लगा देता हूं मिस्टेक्स के, एंड यस गाइड देम कि आइंदा से बेटा आपने यूं करना है, ये वजह होती है आपकी मिस्टेक की, ये यहां प्रॉब्लम है, एवरीथिंग आई डू टू देम। लेकिन देखिए मास्टर्स किया हुआ है, कितना साल उन्होंने टेंसेस सीखते रहे, सारा कुछ करते रहे, बट वो जो ट्रांसलेशन मेथड है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वो कभी भी आपको ना रीडिंग सिखाएगा, राइटिंग सिखाएगा, ना स्पीकिंग सिखाएगा, क्योंकि आपने इनपुट तो की नहीं, आप तो ग्रामर सीख रहे हैं, यू नीडेड इनपुट, और इनपुट आपकी जीरो थी। मेरी बात आप सबको समझ आ गई जी? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव सम टाइम विद यू पीपल, यू मे आस्क जी। सर जी बच्चे, सर अगर हमें जी, ईमान बेटा बोले बोले, आपकी आवाज रुक गई है ईमान, ईमान बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, वही रुक गई है, आई एम अनएबल टू लिसन टू यू। चले आप कोई भी क्वेश्चन मुझे सेंड करना चाहते हैं तो फेसबुक के थ्रू भी मुझसे रापता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक पे मेरा पेज है जी, लर्न एंड एंजॉय, मैं उसका खैर नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, लर्न विद नुमान की तरफ जाऊंगा शायद, तो लर्न एंड एंजॉय के नेम से वहाँ व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मुझे डायरेक्ट क्लिक करके व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं, एंड वैसे व्हाट्सएप नंबर ऑन करना है तो 0300-570-1669 जी, अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क, मैं मीटिंग बस क्लोज करने की तरफ जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी बच्चे, मैं यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। मेरा क्वेश्चन है
जी सर, बेसिकली किसी भी चीज को स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है. फॉर एग्जांपल मैंने आज ही ना न्यूज सुनी थी इंग्लिश में, लेकिन स्टार्ट में मुझे बहुत ही ना मतलब कि इतनी खास समझ लगी कि क्या बोल रहे हैं. मतलब कि जैसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में सुनते हैं तो हमें बड़ी आसानी से समझ लग गई होती है कि एटलीस्ट क्या बोला जा रहा है. तो सर, हम लोग नॉर्मली बुक्स में जो वर्ड पढ़ते होते हैं वो गवर्नमेंट रिलेटेड नहीं होते, मतलब पार्लियामेंट क्या इस तरह करके उनके या पेटिमेंट वगैरह, तो मतलब कि समझ नहीं लग रही होती, तो क्या करना चाहिए? मैंने एक चीज बोली कि वोकैबुलरी को, ये सेकंड लेक्चर आएगा, अभी तो मैंने आपको गाइड किया है, दैट इज प्योरली सेकंड लेक्चर. कि देन हमें मुश्किल कौन सी आती है वो इनपुट में, कि इन रीडिंग की इनपुट में कौन सी है. कुछ मैंने हिंट दिए आज के, आप अपने पास ऑनलाइन डिक्शनरीज रखें ब्ला ब्ला. आई वुड हैव अ कंप्लीट डिस्कशन विद यू पीपल कि आपने जो रास्ते में रुकावटें आती हैं इनको बुलडोज कैसे करना है. यस, आपको बुलडोजर चलाना सिखाएंगे कि इनको बुलडोज कैसे करना है और कैसे इन पर ओवरकम करके आपने आगे बढ़ना है. तो यस, दैट वुड बी इन द अदर लेक्चर. मेरा टाइम जो है 40 मिनट्स की लिमिट एंड होने वाली है, तो जी जी बोले. थैंक यू. वेलकम वेलकम बच्चे. फेसबुक पर मैं लाइव वीडियो एंड कर रहा हूँ जी. फेसबुक वालों के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच. फेसबुक पर भी ये मैं पूरी वीडियो डाल चुका हूँ जी. अभी फेसबुक सेव कर लेगी तो मेरे चैनल पर लर्न एंड एंजॉय पर आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी कंप्लीट. उधर भी ये कंप्लीट सेव्ड है. ओके जी, अल्लाह हाफिज. खुश रहें, मुस्कुराते रहें. अल्लाह आप लोगों को बहुत सारी कामयाबियाँ दे. गुड बाय.